हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर पसंदा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए उसके देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मैंने यहाँ पे ये फ्रेश क्रीम ली है 2 स्पून के करीब, उसके बगल में ये मैंने क्रश किए हुए पनीर लिए हैं एंड ये जार में मैंने चटनी लगाने के लिए रखा है जो उसकी फिलिंग होगी पनीर की। जार के अंदर ये टमाटो ले लिए मैंने 1 एंड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना आप। एंड यहाँ पे मेरे पास कोरिएंडर नहीं थी तो मैंने यहाँ पे करी लीव का यूज़ करा है। एंड यहाँ पे मैंने गार्लिक भी ले ली है, आप स्किप भी कर सकते हैं उसको। 400 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, इसको मैंने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। ये फिलिंग इसके ऊपर हमें चटनी की करनी है। इसके लिए ये स्पाइसेस में मैंने ये 5 स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें धनिया 1 स्पून, हल्दी, जीरा एंड ये गरम मसाला एंड ये चिली, ये सारे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो जितना आपको लेना है। 1/2 स्पून मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले लिया है, भिगे हुए काजू बादाम का पेस्ट है यहाँ पे, टमाटो अनियन का पेस्ट एंड कसूरी मेथी। ये चटनी मैंने यहाँ पर लगा के रख लिया है। 1 बड़ा स्पून मैदा एंड 1 बड़ा स्पून हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की भी ज़रूरत होगी। 1 कटोरी के अंदर मैंने यहाँ पे चटनी को निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने ये क्रश किए हुए पनीर को भी ले लिया है एंड अब मैं यहाँ पे काजू का ये क्रश किया हुआ काजू भी ऐड कर दूँगी। देन उसको अब मिक्स कर लेंगे। इसमें सॉल्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है बट आप ऐड कर सकते हो आपको अगर कम लगती है तो। Audio Jungle. अब इस घोल के अंदर हम इस पैटीज को डिप कर लेंगे ऐसे, बहुत ही केयरफुली तरीके से करिएगा नहीं तो वो बीच की फिलिंग निकल सकती है। एंड ये गरम कर लिया है मैंने ऑयल और उसके बाद उसके ऑयल के अंदर हम ये सेलो फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं और हम इनको अब निकाल लेते हैं। अब ये उसी कढ़ाई के अंदर जो ऑयल बचा हुआ है उसमें ही मैंने ये अजवाइन को डाल दी है, 1 स्पून के अराउंड ये अजवाइन है। उसके बाद मैंने ये अनियन पेस्ट को भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। 2 से 3 मिनट के बाद हमने टमाटो पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना है। अभी हम सॉल्ट को भी इसमें ऐड कर लेंगे जिसकी वजह से ये जल्दी फ्राई हो जाती है। अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है, 5 मिनट इसको लगे थे, आप इसको कवर करके भी फ्राई कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने ये स्पाइसेस जो लिए थे वो ऐड कर देंगे। तुरंत हम वाटर भी इसमें ऐड कर देंगे जिसके वजह से ये जले नहीं स्पाइसेस हमारे। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस को अच्छे से कुक करना है, इसके लिए हम लीड लगा देंगे। 5 मिनट तक ये कुक होगा, इसको बीच में देखते भी रहेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे।
5 मिनट हो चुके हैं, अब ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसके अंदर अब हम ये फ्रेश क्रीम जो ली थी उसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। फिर हमने जो ये काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर लेंगे 1 मिनट बाद। हमारे मसाले ये कुक हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो बचा हुआ हमारा बैटर था मैदे का वो ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून है ये, और इससे ज़्यादा आप नहीं ऐड करिएगा। अगर थोड़ा सा बचा है तो आप ऐड कर सकते हो इसको। बची हुई भी थोड़ी सी रखी थी ग्रेवी, उसको भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार ये बनाओगे तो आप जो मार्केट का आप खाते हो पनीर पसंदा, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है। ये आप देखिए, देख के ही लग रहा है ना कि बहुत ही यमी बना है। तो ये जैसा दिख रहा है उससे खाने में बहुत यमी है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा एंड इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए नए वीडियोस मेरे मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, मेकअप विद बिंदु माई न्यू चैनल इज़ कमिंग वेरी सून। बहुत जल्दी मेरा न्यू चैनल आने वाला जो 1 अक्टूबर को आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Audio.